हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल अब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, लास्ट के कुछ लाइव सेशन में यही बात हो रही थी कि हरियाणा में स्पेशल एजुकेटर की भर्ती कब आएगी। तो दोस्तों, हरियाणा में स्पेशल एजुकेटर की जो भर्ती आनी है उसकी तो कोई अपडेट नहीं है, जैसे भी होगी वो भी दी जाएगी। फिलहाल PRT जनरल टीचर की भर्ती आ चुकी है और इसके अंदर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वाले एलिजिबल हैं। यहाँ पर आप देख लो, डेट ऑफ पब्लिकेशन 9 अगस्त, आज ही के दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। 12 अगस्त से फॉर्म को फिल करना स्टार्ट आप करोगे और 21 अगस्त तक, यानी कि तकरीबन आपको 20 दिन दिए जा रहे हैं फॉर्म फिल करने के लिए। और दोस्तों, ये जो टोटल वैकेंसी है ये है 1456 पोस्ट है। प्राइमरी टीचर्स इन मेवात केडर ग्रुप सी सर्विस है ये। साथ ही साथ मैं आपको अगर डिटेल ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो जनरल की 607 है, SC की 300 और अदर कैटेगरी की मिलाकर हो जाती है 1456। यहाँ पर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी की भी 58 पोस्ट है। अगर हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में, तो आप किसी भी कोई भी वैकेंसी आती है ना जनरल PRT की, तो उसका 4th पॉइंट देखिए। तो देखो दोस्तों, पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा पॉइंट है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि 12वीं होनी चाहिए विद एटलीस्ट 15% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। 2 साल का डिप्लोमा किसी में भी कर रखा हो आपने, HI, VI, IDD है ना, किसी में भी ASD में कर रखा हो, CP में कर रखा हो, MD में कर रखा हो, वो सभी एलिजिबल है। और जो एग्ज़ाम होगा वो आपका जनरल एग्ज़ाम होगा, आपके लिए कोई स्पेशल एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि ये जनरल टीचर की वैकेंसी है तो जनरल एग्ज़ाम होगा। वो आप अपीयर हो सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक सवाल साथ ही साथ आता है कि क्या DED स्पेशल एजुकेशन जो है वो NCT से अप्रूव्ड होता है। तो मैंने कई वीडियो में बताया है कि भाई, हम DED स्पेशल वाले या BED स्पेशल वाले, उनको NCT से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उनका जो होता है वो RCI से होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, इन केस ऑफ डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन एंड BED स्पेशल एजुकेशन, ए कोर्स रिकॉग्नाइज बाय द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ओनली शैल बी कंसिडर। RCI जो कराता है, तो यही आपको पता ही है कि भाई RCI ही कराता है, हमारा बात खत्म हो जाती है। और यहाँ पर जो पे स्केल एज लिमिट जो है दोस्तों, 18 से 42 साल रहने वाली है और मैक्सिमम जो है वो 52 साल है वो, मगर ये कि एज रिलैक्सेशन के बाद है, यानी कि 42 साल तक के कैंडिडेट भर सकते हैं और अदर स्टेट भी भर सकते हैं। शर्त सिर्फ यहाँ पर यह है कि आपके पास एस्टेट होना चाहिए, CTET कंसीडर नहीं किया जाएगा। पे स्केल है 93,000 से 34,800 विद ग्रेड पे और 4200 का ग्रेड पे, यानी कि अच्छी खासी सैलरी 50,000 तक आपकी सैलरी बनेगी, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी तो जो वहाँ पर ज्वाइन है या जो लोग प्राइमरी टीचर में मतलब काम कर रहे हैं वो बेहतर बता पाएंगे। फिलहाल ये एक अंदाज़ा है कि 50,000 तक आपकी सैलरी बनेगी अगर आपका सिलेक्शन होता है। द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन ओनली टू दोज SC OBC वगैरह, इन सबको दिया जाएगा। अब यहाँ पर आएंगे तो हु हैव नॉट टेक रिलेक्सेशन एज परसेंटेज रिलेक्सेशन क्वालिफिकेशन मार्क्स अंडर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एस्टेट और एनी अदर बेनिफिट एक्सेप्ट एप्लीकेशन फी वेवर। एस्टेट आर क्वालिफाई एग्जाम फॉर PRT कैडर। अब यहाँ पर एस्टेट, अब दोस्तों सब कहेंगे कि यार एस्टेट होता है तो CTET भी तो स्टेट लेवल का टेस्ट है, मगर यहाँ पर इन्होंने मैंशन नहीं करा, इन्होंने लिखा है सिर्फ एस्टेट आर क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर PRT कैडर। अब मैं यहाँ पर बहस का मुद्दा नहीं छेड़ता हूँ, मेरा मानना है कि सिर्फ एस्टेट के कैंडिडेट ही एलिजिबल है। अगर कुछ CTET के साथ ही ये सोचते हैं कि सर एलिजिबल होंगे या फिर इसमें ऐसा मेंशन है, तो आप फॉर्म फिल कर दे रहा है, ये बहस का मुद्दा हम ख़त्म कर देते हैं। ये एस्टेट की बात होगी, मेरी तरफ से एस्टेट है और जैसा मैं नोटिफिकेशन पढ़ पा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे ये क्लियर है कि सिर्फ एस्टेट के कैंडिडेट ही इसको जो है इस वैकेंसी में एलिजिबल है। और साथ ही साथ जब स्पेशल एजुकेटर की आएगी तो भी एस्टेट के कैंडिडेट ही इसमें एलिजिबल होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और ये बहुत बड़ा जो 23 पेज की PDF है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्होंने बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ की बात करी गई है और यहाँ पर डिटेल ऑफ फीस की बात करी गई है। तो जनरल की यहाँ पर 150 रुपये काफ़ी कम फीस रखी गई है, जो कि होनी चाहिए। और क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन क्या है, एग्जामिनेशन एंड सिलेबस क्या रहेगा, रिटर्न एग्जामिनेशन है 95 मार्क्स की, मतलब काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि बहुत आसान किया गया है आप लोगों के लिए, यह है कि कॉम्पिटिशन टफ रहेगा। रिटर्न एग्जामिनेशन है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी में आएगा, एंड ऑफलाइन OMR बेस रिटर्न एग्जामिनेशन जो है ऑफलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर वाला नहीं होगा, विल बी हेल्ड फॉर रिक्रूटमेंट टू द PRT पोस्ट, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100 विद वेटेज ऑफ 0.95 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, ए कैंडिडेट हैज़ टू फिल 1 ऑप्शन कंपलसरी आउट ऑफ 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन मिलेंगे उसमें से एक चूज करना है, इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट मार्क एनी ऑफ द 5 ऑप्शन फॉर अ क्वेश्चन देन 0.95 मार्क्स फॉर ए
ईच अन अटेम्प्ट क्वेश्चन शेल बी डिटेक्टेड। अच्छा, अगर आपने खाली छोड़ दिया तो फिर आपके 0.95 मार्क्स जो है डिडक्ट होंगे, तो इसलिए सारे ही 90 के 90 करके आना है। छोड़ने पर मार्क्स कटेंगे, वैसे रिएटिंग मार्किंग नहीं है। एक्स्ट्रा 5 मिनट्स शेल बी गिवन टू द मार्क फिफ्थ ऑप्शन इफ कैंडिडेट डज नॉट नो द आंसर। यार मतलब काफ़ी अच्छा है, मतलब 105 मिनट आपको टोटल मिल रहे हैं, मतलब मेरे हिसाब से बहुत सही है, मौका है, अच्छा मौका है। कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा, तो ऑनलाइन ही फॉर्म ये फिल होने वाला है। मतलब मुझे लगता है कि भाई सभी को ये भर देना चाहिए, ठीक है। और जैसे भी अपडेट होगी आगे वो मैं दे दूंगा, फॉर्म फिल करेंगे 12 तारीख को, उसकी भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।